जैसा कि हम सब ने सोचा था, मिस्टर क्यून द सीक्रेट और बैम्बू फॉरेस्ट मिस्टर क्यून का प्रीक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये छोटी छोटी स्टोरीज का मिस्टर क्यून में ऐड किया गया है। ये स्पेशली हम जैसे फैंस के लिए बनाया गया है जो मिस्टर क्यून को बहुत मिस कर रहे हैं। मिस्टर क्यून के स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में इसमें दिखाया गया है, कुछ सीन्स जो मेन शो से बिल्कुल अलग भी दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग में हम कोर्ट लेडी चोई को देखते हैं जो कह रही थी, इस महल में हर किसी के सीक्रेट्स हैं, चलो एक एक कर सबके सीक्रेट्स का खुलासा किया जाए। फिर वो हम व्यूवर्स को कहती हैं, तुम मेरा छुप छुप कर पीछा क्यों कर रहे हो? अब हम सब तो मिस्टर क्यून को ही ढूंढ रहे थे, तो वो कहती हैं, क्या मतलब तुम्हारा क्यून कहाँ है? क्यून का तो अभी तक चुनाव हुआ ही नहीं, क्या तुम ऐसी क्यून को ढूंढ रहे हो जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं है? सबसे पहले खुलने वाला है पहली मुलाकात का सीक्रेट, यानी क्यून के सिलेक्शन के पहले दिन का। सोयंग जो कहीं छुपी बैठी हुई अपने होने वाले हस्बैंड यानी राजा के चेहरे देखने के लिए उतावली थी, तो दास कहता है, आप अभी महारानी नहीं चुनी गई, अगर किसी को पता चल गया कि आपने राजा का चेहरा देखने की कोशिश की तो मेरा सर तो गया समझो। सोयंग कहती है, भले ही मैं अभी तक चुनी नहीं गई पर मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे कम से कम राजा का चेहरा देखने का तो हक है जो मेरा कभी हस्बैंड बनेगा। और दास का मुंह बंद करने के लिए उसे रिश्वत देती है, तो दास कहता है, आपको अच्छे से छुपना चाहिए ताकि कोई आपको देख ना सके। सोयंग कहती है, सीक्रेट रखने का इनाम काफी नहीं है, अगर आज मैं राजा का चेहरा नहीं देख पाई तो तुम्हें डबल अमाउंट देनी पड़ेगी। ये सुन दास कहता है, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? तभी वहां से राजा गुजरता है, पर बहुत दूर होने के कारण सोयंग का राजा का चेहरा देख नहीं पाती, और जब दिखने वाला था राजा का दास उसके आगे आ जाता है और राजा वहीं से वापस भी चला जाता है। दास जो ली हुई रिश्वत छुपा रहा था, होंगयन उसे रोक कहती है, इन्होंने अभी राजा का चेहरा नहीं देखा तो वापस करो। दास कहता है, इन्होंने कम से कम दूर से तो देख लिया ना, तो आधा तो रखने दो। सोयंग दास को अपनी हेयर पिन दे कहती है, आगे से मुझे इससे अच्छा मौका मिलना चाहिए, मैं उनसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक उनका चेहरा ना देख लूं। फिर सोयंग और होंगयन दोनों छुपी हुई राजा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर जैसे ही राजा बाहर आता है वो उसका चेहरा देखने ही वाली थी। राजा का दास अम्ब्रेला लेकर आ जाता है राजा को छुपाने। सोयंग कहती है, ये राजा का दास? फिर वो कहती है, अब तो मैं उसका चेहरा देख ही लूंगी, देखते हैं आज कौन जीतेगा, और राजा को देखने की कोशिश करती है। फिर राजा का दास आगे आ गया था। सोयंग उछल उछल कर राजा को देखने की कोशिश कर रही थी, उसे देख कोर्ट लेडी चोई कहती है, हे भगवान, कितनी शर्म की बात है, ये तो किमवंश की वो लड़की है जो फाइनल चुनाव में है, पता नहीं कौन सी बेचारी कोर्ट लेडी इनकी सेवा करने वाली है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। राजा वहां से जा चुका था। सोयंग रोती हुई कहती है, मुझे राजा का चेहरा देखना था। होंगयन कहती है, मैं जानती हूँ जब आप किसी के लिए पूरी कोशिश करती हैं तो आप उसे हासिल कर लेती हैं, तो आप ज़्यादा चिंता मत करिए। बारिश पड़ने की वजह से वो दोनों एक शेड के नीचे खड़ी हो गई थी। सोयंग कहती है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, शायद राजा का चेहरा देखना मेरे लिए नहीं है। होंगयन कहती है, आप ऐसा मत कहिए, आप यहाँ इंतज़ार करिए, मैं बारिश से बचने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सोयंग कहती है, कल महारानी का चुनाव का आखिरी दिन है, लगता है मैं राजा का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी। तभी वहां राजा आता है जिसने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। सोयंग और राजा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं, ये कौन है, लगता है जैसे कोई अपना अपना सा। जब सोयंग राजा का जख्म देखती है तो उसे अपना रिबन देती है, पर राजा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो सोयंग उसके रिबन बांधती हुई कहती है, बारिश से इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। राजा उसे कहता है, ये इतना दर्द नहीं कर रहा। सोयंग जैसे ही रिबन में गांठ लगाती है राजा जोर से चिल्ला पड़ता है। सोयंग कहती है, आपने तो कहा था कि आप ठीक हैं। राजा कहता है, वो जरा मैं अपना गला साफ कर रहा था। फिर वो एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। सोयंग पूछती है, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? राजा कहता है, मुझे भी आप जानी पहचानी लग रही हैं, आपका नाम क्या है? सोयंग अपना नाम बताने ही वाली थी पर होंगयन उसे वहां से ले जाती है। सोयंग पीछे मुड़मुड़कर राजा को देख रही थी और राजा भी उसे देख स्माइल कर रहा था, यानी फर्स्ट साइट लव। सोयंग अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी, तभी होंगयन आकर बताती है कि आपके पिता ने बताया कि आप ही महारानी के लिए चुनी गई हैं।
मुझे तो पहले ही पता था आपकी किस्मत में ही महारानी बनना लिखा है, पर सोयंग ये सुन खुश नहीं लग रही थी और कहती है, मैं महारानी कैसे बन सकती हूँ जब मैं किसी और लड़के के बारे में सोच रही हूँ। मैं महारानी बनने जा रही हूँ उस राजा की जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं। नेक्स्ट डे कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ही वो बेचारी हूँ जिसे इनकी सेवा करनी है। क्या यही मेरा फ्यूचर है? और सोयंग से जाकर कहती हैं, मैं हूँ कोर्ट लेडी चोई जो आगे से आपकी सेवा करने वाली है। जब वो सोयंग का भोला सा चेहरा देखती है तो सोचती है, शायद मैं गलत थी, मैं फालतू में टेंशन ले रही थी। राजा भी उसी रिबन को देख सोच में डूबा हुआ था, तभी वह सोयंग अपनी नजरें झुकाए आती हैं। उसे देख तो राजा कहता है, तो आपका नाम है सोयंग? उसे देख सोयंग कहती है, महाराज आप? और खुश होती है। राजा उसे अपनी महारानी घोषित करता है। सोयंग सोचती है, ये जरूर हमारी किस्मत है। कोर्ट लेडी चोई फिर आ जाती हैं सबके सीक्रेट्स खोलने। फिर खुलता है कंपटीशन का सीक्रेट। होंग गलती से किम बियोंग को राजकुमार समझ लेता है। तभी वहाँ राजकुमार आता है, जिसे देख होंग कहता है, किम बियोंग? मेरा मतलब राजकुमार, आप दोनों? राजकुमार किम बियोंग से पूछता है, जांच अधिकारी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किम बियोंग कहता है, मैं यहाँ शाही विभाग की छानबीन करने आया था। होंग हैरान हो पूछता है, आप यहाँ छानबीन करने आए थे? तभी वहाँ फ्रेंड होंग कहता हुआ किम हुआन आ जाता है और वो भी गलती से राजकुमार को किम बियोंग समझ लेता है। फिर वो उन दोनों को देख कहता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर आज आप दोनों साथ खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक जैसे हो। राजकुमार और किम बियोंग एक साथ कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? होंग और किम हुआन हैरान थे। वो कहते हैं, हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, हमारी तो हाइट भी अलग अलग है। तो होंग उन दोनों की हाइट नापता है, पर वो सेम निकली। राजकुमार कहता है, हमारी शक्लें तो अलग अलग है ना। होंग उन दोनों के चेहरे को कंपेयर करता है तो होंग और किम हुआन हैरान होकर कहते हैं, कितनी अजीब बात है। फिर हम देखते हैं किम बियोंग और राजकुमार को वेट लिफ्टिंग करते हुए, दोनों बराबरी पर थे और फिर एक साथ ही थककर नीचे गिर जाते हैं। होंग और किम हुआन कहते हैं, कितनी अजीब बात है। फिर वो दोनों एक्सरसाइज करते हैं, इस बार फिर दोनों बराबरी पर थे। वहां होंगयोन को आते देख किम हुआन एकदम खड़ा हो जाता है तो राजकुमार कहता है, मैं जीता, मैंने तुमसे एक ज्यादा किया है। किम बियोंग कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किम हुआन मेरी टांगों के ऊपर से उठ गया था। उन्हें देख होंग कहता है, इनको तो अपने जैसे से ही नफरत है। होंगयोन जो महारानी को ढूंढने आई थी, किम हुआन उससे कहता है, ये यहाँ वर्कआउट कर रहे थे और उसे इम्प्रेस करने के लिए वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश करता है, पर वो वेट नहीं उठा पाता। उसे देख होंग कहता है, इधर देखो और सीखो, पर जब वो उठाने लगता है उससे भी नहीं उठता। तो वो होंगयोन को देख कहता है, इनफैक्ट इसे ऐसे यूज करते हैं, और उसे रोल करने लगता है। होंगयोन ये देख हंस पड़ती है। किम बियोंग राजकुमार को एक और मैच लगाने को कहता है और दोनों पुशअप करने लगते हैं। होंग को देख किम हुआन भी उसकी तरह उस वेट को रोल करने लगता है और दोनों होंग की तरफ देख हंस रहे थे। फिर किम बियोंग और राजकुमार में ताश का खेल शुरू होता है तो दोनों कहते हैं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, और जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं। होंग कहता है, अब क्या तुम इस टेबल की टांगे तोड़ोगे? होंगयोन को उसी वेट को उठाते देख किम हुआन उसे देखता ही रह जाता है। होंग जब होंगयोन को वेट उठाते देखता है तो उसकी भी आंखें और मुंह दोनों खुले रह जाते हैं और वो कहता है, मैंने कितने लंबे टाइम से ऐसा टैलेंट नहीं देखा। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। एक दास एक दासी को प्रपोज कर रहा था। उनका रोमांस देख कोर्ट लेडी चोई कहती है, सबके कोई ना कोई सीक्रेट है, पर मैं अकेली ऐसी ईमानदार इंसान हूँ जिसका कोई सीक्रेट नहीं। फिर खुलता है एक और सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ लेडी। ख्वाजी ने एक अडल्ट रोमांटिक बुक लिखती है जो एक दासी की लव स्टोरी पर बेस थी, जिसे देख ओवल कहती है, ये पूरे महल में नहीं बल्कि पूरे चौसन में फेमस हो जाएगी। माई लेडी, माई फियर लेडी, इसका तो टाइटल ही इतना अट्रैक्टिव है, सारी दासियां इसे पढ़ क्रेजी हो जाएंगी और ये उनकी नींद उड़ा देगी। ख्वाजी हंस के कहती है, ये तो मैंने मज़े के लिए लिखी थी, पर मैं इस पर अपना नाम नहीं लिख सकती, इसलिए मुझे कोई और पेन नेम लिखना होगा, कौन सा अच्छा रहेगा। पर तभी राजकुमार के आते ही वो उस बुक को अपनी पेंटिंग के नीचे छुपा देती है। राजकुमार ख्वाजिन को एक स्पेशल तरह की इंक गिफ्ट करता है, जिसके लिए ख्वाजिन उसका थैंक्स करती है।
राजकुमार जब पेंटिंग की तरफ देखता है तो उसे बुक का टाइटल दिखने लगता है, तो वो पढ़ता है माई लेडी। वाजिन जल्दी से उस पर अपना हाथ रख छुपा लेती है और कहती है ये वुमेन्स की ट्रेजिक लाइफ की मास्टरपीस है, और बुक ओवल को दे देती है। ओवल दूसरी दासी को ये बुक ट्रांसफर कर देती है। फिर क्या, ये बुक दासियों में बीमारी की तरह फैल जाती है, पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी में, और घूम फिर के पहुंच जाती है होंगियन के पास, जो उस बुक को खूब मजे लेकर पढ़ रही थी। कोट लेडी चोई को देख वो बुक छुपा लेती है, पर कोट लेडी चोई जबरदस्ती उससे वो बुक ले लेती है। जब वो उस बुक का टाइटल पढ़ती है माई लेडी माई फेयर लेडी, तो कहती है हाय कितना क्रेजी टाइटल है, जलाने से पहले इसे एक बार खोल के तो देखूं। और देखते ही देखते वो उस बुक में खो जाती हैं, इतना कि शाही बावर्ची के आने का उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर वो शाही बावर्ची को देख डर जाती हैं। जब शाही बावर्ची पूछते हैं क्या था वो, कोट लेडी चोई कहती हैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उनके जाते ही शाही बावर्ची बुक उठा कहते हैं ये क्या है माई लेडी माई फेयर लेडी, और पढ़ने लगते हैं, और वो भी उसे खूब मजे से पढ़ रहे थे और कहते हैं मुझे नहीं पता था कोट लेडी चोई को ये सब पसंद है। जब कोट लेडी चोई आती हैं तो शाही बावर्ची कहते हैं क्या आप जानती हैं, और उनके पास आके ऊपर उठकर कोट लेडी चोई का हाथ अपने कपड़ों में घुसा दिल पर रख कहते हैं आप यहाँ रहते हो। कोट लेडी चोई कहती हैं इसे अभी बाहर निकालो। बेचारा शाही बावर्ची रिवर्स गियर में हाथ निकाल नीचे हो जाते हैं। कोट लेडी चोई गुस्से से वहां से जाने लगती हैं और फिर कहती हैं मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि ये ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो वो आकर देखती हैं कि शाही बावर्ची दूसरे बावर्ची के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी रोमांटिक वे में। तो कोट लेडी चोई उस बावर्ची की जगह खुद आ जाती हैं और कहती हैं देखो शाही बावर्ची, अगर तुम उस आग को जलाने की कोशिश करोगे जो मेरे दिल में कब की मर चुकी है, तो पूरा घर जल कर राख हो सकता है। और वहां से चली जाती हैं। शाही बावर्ची कहते हैं मैं शाही बावर्ची जोसन का बेस्ट आदमी हूँ जो आग को भी हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम शाही बावर्ची और कोट लेडी चोई को देखते हैं। शाही बावर्ची कहते हैं मुझे लगता है इस सारे टाइम में मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, मैंने आपके लिए स्पेशल रेमन बनाए हैं, और उन्हें चॉपस्टिक दे खाने को कहते हैं। कोट लेडी चोई जब रेमन खाती हैं तो खुश हो जाती हैं। शाही बावर्ची उनके होठों को अपने हाथ से साफ करते हैं तो कोट लेडी चोई शर्मा जाती हैं और कहती हैं आप ही खाइए ना। फिर दोनों हंसते हुए खाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अगला वीडियो अभी आने वाला है। और कमेंट कर जरूर बताना आपको किसका सीक्रेट पसंद आया।